वैक्सीन में क्या होता है, जिस चीज़ का वैक्सीन बनाना होता है, जिस चीज़ का वैक्सीन बनाना होता है, मान लीजिए हमको कोरोना का ही वैक्सीन बनाना है। किसका? कोरोना का। किसका? कोरोना का वैक्सीन बनाना है। ओके, तो कोरोना का वैक्सीन बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी कोरोना वायरस को हमको नॉर्मल करना पड़ेगा। नॉर्मल मतलब इसको कमज़ोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कमज़ोर। क्या करना पड़ेगा? कमज़ोर करना पड़ेगा। तो कमज़ोर कैसे करेंगे? मान लीजिए आप हट्टे कट्टे हो खाते पीते घर के, और आपको 10 दिन खाना ना दिया जाए तो आप खुद ही कमज़ोर हो जाओगे। वैसे क्या किया जाता है, इसका कोरोना वायरस को पकड़ के एक डब्बे में भर दिया जाता है, इक्विपमेंट होती है, ट्यूब होती है, उसमें भर दिया जाता है, उसको रख दिया जाता है। उसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स डाल दिए जाते हैं कि इसकी जो क्षमता होती है ना, बीमारी बीमार करने की क्षमता या एक्टिव रहने की क्षमता को इसको घटा दिया जाता है, लो कर दिया जाता है। कोरोना वायरस को एक ट्यूब में भर के उसमें केमिकल्स डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अब क्या किया जाता है, इसी वायरस को निकाल के क्या किया जाता है, इंसान के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो इंसान के अंदर इंजेक्ट करने से पहले क्या किया जाता है, इसको जानवरों पे टेस्ट किया जाता है। किस पे? जानवरों पे, बंदर पे हो गया, मतलब कि जैसे कि इंसान से मिलते जुलते जानवरों पे टेस्ट किया जाता है, बंदर हो गया, चिंपांजी हो गया, इन सब चीज़ों पे टेस्ट किया जाता है। टेस्ट के दौरान अगर इन सब लोग झेल जाते हैं इस वायरस को, क्या करते हैं, इस वायरस को झेल जाते हैं। ओके, झेल जाने का मतलब कि ये वायरस से अपने अंदर लड़ने की क्षमता को उत्पन्न कर लेते हैं, इम्यूनिटी पावर उत्पन्न कर लेते हैं। तो क्या किया जाता है, लास्टली फिर इंसानों पर टेस्ट किया जाता है। किस पे? इंसानों पर, मैन। ओके, यानी कि तब उस समय क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए इस कोरोना वायरस को बीक करके, कमज़ोर करके डाला गया हमारे शरीर में, तो बीक रहता है तो जानते हो, कमज़ोर रहता है तो इंसान का शरीर जो होता है वो रिएक्शन करता है, लड़ता है उससे, और उससे इम्यूनिटी पावर जनरेट करता है उससे लड़ने के लिए। तो इम्यूनिटी पावर जनरेट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इस कमज़ोर वायरस से लड़ेगा, और वहाँ पे क्या जनरेट होगा, इम्यूनिटी पावर। तो हमारे बॉडी को पता चलेगा, भाई साहब अगर ऐसा कोई वायरस आता है तो इसको धाँ से मार दीजिए। ओके, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे, इसीलिए जो है हम लोगों को 3 डोज या 4 डोज, कहीं कहीं पे 4 डोज लगा हुआ कोरोना वायरस का, कहीं कहीं पे 3 3 डोज। ओके, तो 3 डोज किस लिए लगाया गया, आपके अंदर प्रॉपरली इम्यूनिटी पावर को बिल्डअप करने के लिए। किसके लिए? बिल्डअप करने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बिल्डअप करने के लिए। ओके, तो बिल्डअप कैसे किया जाता है, वो नहीं वायरस को कमज़ोर कमज़ोर से। अब 3 डोज आपको लग चुके हैं, कितने डोज? 3 डोज। अब 3 डोज आपको लग चुके हैं, तो 3 में से आपको ओरिजिनल वाला कोरोना वायरस आ जाएगा, नॉट वीक, ओरिजिनल आपको पकड़ लेगा, तो ये क्या करेगा, 3 डोज इम्यूनिटी पावर जनरेट किया है, उसी जनरेट इम्यूनिटी पावर को धाए से मारेगा, वायरस खत्म। समझ रहे हो ना मेरी बात को?